सावन के महीने में भूलकर भी न खाएं यह तीन फल, सेहत के लिए बन जाते हैं जहर। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार को हुई है और इसका समापन भी 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन ही हो रहा है। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए। इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं और अपने आहार में कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। सावन में कुछ फल और सब्जियों का सेवन करना वर्जित है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सावन में वर्जित फल और सब्जियां। नंबर एक, बैंगन। बैंगन को सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे तामसिक भोजन माना जाता है। यह भगवान शिव की पूजा के दौरान निषिद्ध होता है और स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं माना जाता। नंबर दो, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां। बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों में कीटाणु और बैक्टीरिया होने की संभावना अधिक होती है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। इस मौसम में पालक, मेथी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, करेला। करेला का सेवन भी सावन के मौसम में वर्जित होता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और यह पेट में गैस्ट्रिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नंबर चार, मूली। मूली का सेवन भी सावन के महीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और यह व्रत के दौरान उचित नहीं माना जाता। नंबर पांच, कटहल। कटहल का सेवन भी सावन के दौरान ना करें, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और यह पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। नंबर छह, कद्दू। कद्दू भी इस मौसम में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भी नमी की मात्रा अधिक होती है और यह पेट में गैस्ट्रिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नंबर सात, सावन या बारिश के दिनों में आपको अंकुरित बीज का सेवन भी न करने के बराबर करना चाहिए। बारिश के दिनों में धूप ना होने और नमी के कारण इसमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अंकुरित बीज के सेवन से बचें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सावन महीने में कौन से फल नहीं खाने चाहिए। नंबर एक, तरबूज। तरबूज एक ऐसा फल है जिसे सावन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और यह सर्दी, खांसी और समस्याएं बढ़ा सकते हैं। नंबर दो, खट्टे फल। खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा और अंगूर का सेवन भी सावन के महीने में ना के बराबर करना चाहिए। बारिश के मौसम में इनका सेवन सर्दी, खांसी और गले की समस्याओं को बढ़ा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से फल हमें इस दौरान खाने चाहिए। तो दोस्तों, फलों में हमें सेब, केला, आम और जामुन खाने चाहिए। अब हम जानते हैं सावन सोमवार व्रत का कैलेंडर।
नंबर एक, पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024। नंबर दो, दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई 2024। नंबर तीन, तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त 2024। नंबर चार, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त 2024। नंबर पाँच, पांचवा सोमवार व्रत 19 अगस्त 2024। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद।